पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, भाजपा वोटरों को साधने के लिए नए नए कार्यक्रम चला रही है। भाजपा द्वारा प्रदेश भर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को गांधी जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। पार्टी द्वारा प्रदेश भर में गांधी जयंती वर्ष के रूप में मनाते हुए कमल संदेश पद यात्रा का आयोजन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया जा रहा है। मुरादाबाद में कमल संदेश पद यात्रा का महानगर मुरादाबाद में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के सभी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा के साथ साथ अन्य भाजपाएं भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा ने सभी जनपदों में कमल संदेश पदयात्रा का आयोजन किया है, जिसके चलते मुरादाबाद में भी पदयात्रा का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता और संचालन महानगर महामंत्री गिरीश वर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महेंद्र घनौजिया ने कमल संदेश पद यात्रा को संबोधित करते हुए विभिन्न विषयों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से महात्मा गांधी की जयंती को बहुत ही अभूतपूर्व मनाया जाना है। ये कमल संदेश पद यात्रा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लगातार होनी है। सभी बूथ पर जाना है, सभी घरों पर जाकर सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से देनी है। प्रदेश मंत्री देवराज सिंह ने कहा कि कमल संदेश पदयात्रा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। जनता के लिए सरकार की ओर से 140 योजनाएं चल रही हैं। मोदी की सरकार ने जो भी कार्य किए वो अभूतपूर्व है। मोदी जी भारत माता को परम वैभव तक ले जाने को लेकर कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में मोदी का लोहा माना है, सारा विश्व मोदी की ओर देख रहा है। हर घर को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमें हर घर का दरवाजा खटखटा।